हमारे पास ये एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स। किस स्टेट में, किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, ठीक है। अब फिल्टर हमने किया है पहले, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट ऑल कौन चेक किया, दिल्ली को सिलेक्ट किया, दिल्ली के अंदर कितनी सेल हुई, ठीक है। अभी इसमें डिपार्टमेंट सारे हैं, गारमेंट्स भी है, ग्रोसरी भी है, कॉस्मेटिक भी, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना होता है, हम इस डेटा को कॉपी करेंगे, कहीं किसी दूसरी सीट पे या दूसरी फाइल पे पेस्ट करेंगे और उस फाइल को सेव करके फिर कहीं आगे भेज देते हैं, ठीक है। फिल्टर करके यही काम करना होता है, या फिर हो सकता है हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो एडवांस्ड फिल्टर में एक तो वो कॉपी पेस्ट करने का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है, और दूसरा किसी भी सीट पे आसानी से हम इसको डेटा को ले जाएंगे। एक साथ एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये एक बार हटा रहे हैं, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। हमने एडवांस फिल्टर को क्लिक किया, ये क्लिक कर लेना पहले। देखो ये तो क्या करेगा, यहीं पे फिल्टर कर देगा इसको, इसी लिस्ट को। हम चाहते हैं दूसरी जगह, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। लिस्ट रेंज क्लियर है, ये टेबल हमने सिलेक्ट की। क्राइटेरिया, चलो ये एक बार डाल सकते हो दोबारा से, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। स्टेट के अकॉर्डिंग सिर्फ हरियाणा का डेटा हमको चाहिए, और कहाँ पे इसको कॉपी करना है वो हमने ले लिया यहाँ। ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ हरियाणा स्टेट का डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमने दो कंडीशन बना लेते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज और इलेक्ट्रॉनिक्स का, एस इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अब ये सिचुएशन है, ठीक है, हरियाणा स्टेट का डेटा हमको चाहिए और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। एडवांस्ड ये कर लो क्लिक पहले से ही, लिस्ट रेंज ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई पहले ही अपनी, क्राइटेरिया ये हमने डिलीट किया, और अब की बार हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी टू, कहाँ पे इसको कॉपी करना चाहते हैं, ओके कर लो। देखो हरियाणा का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा अपने पास है, ठीक है, चेक कर सकते हो। ये ग्रोसरी का हो गया, एक तो ये है नरेश नाम से, ठीक है, ये गारमेंट्स का है, कॉस्मेटिक एक ही हो गया पुनीत, ठीक है, और एक ही हो गया सुन, ठीक है। अभी हम इस डेटा को किसी दूसरी सीट पे डालना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ देखो अब यहाँ पे एक है ना एरर, इसमें आता है कई बार। अभी जैसे हमने क्या किया, बच्चों को समझा दिया,
समझाने के बावजूद भी गलतियां करते हैं। तो एक बार मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि क्या गलती हो सकती है। देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक बार ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमको अब ये डेटा यहाँ से किसी दूसरी सीट पे लेकर के जाना है, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, एडवांस्ड कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। सारी चीज़ें ओके हैं वैसे तो, ये सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी टू, अभी जैसे हमारे पास ये सीट है, इस पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने ये सेल, यानी यहाँ पे वो डेटा हमने डालना है, ठीक है। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जैसे ही ओके करते हैं तो ये एक मैसेज देता है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर्ड फिल्टर्ड डेटा टू द एक्टिव सीट। अभी अगर ये सारी सीटें ओपन हैं, फिर तुम ये भी कह सकते हो कि जी ये तो एक्टिव ही है, जब ये फाइल ओपन है तो एक्टिव है, ठीक है। लेकिन देखो ये एक्टिव यहाँ पे कब माना जाएगा, पहले इस सीट पे आ जाओ, अब ये एक्टिव सीट है, हमको यहाँ पे वो डेटा चाहिए ना, तो अब ये सीट एक्टिव है, अब यहाँ क्लिक करो पहले और अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। कॉपी टू अनदर लोकेशन लिस्ट रेंज, अब उस जगह आ जाओ जहाँ पे ये लिस्ट है, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे वापस उसी शीट पे पहुँच गए। क्राइटेरिया रेंज, ये भी हमने वही लिख रखा है, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, और कॉपी टू में हमने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वो डेटा पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा, अब ओके कर दो, क्लियर, ठीक है। तो पहले उस सीट पे जाएंगे जहाँ पे हमको वो डेटा चाहिए, पहले वहाँ क्लिक करो फिर ये सारी चीज़ें डाल दो, ठीक है, हो जाएगा।